सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉप 5 नेचुरल सनस्क्रीन शेयर करने वाली हूँ एंड साथ ही साथ आपकी सनस्क्रीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में कवर अप करने वाली हूँ, जैसे सनस्क्रीन क्या है, किस स्किन टाइप के लिए कौन सा सनस्क्रीन बेस्ट है एंड SPF कितना होना चाहिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, दिस इज ईशा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो यार, बहुत तेज गर्मी हो रही है तो आप लोग भी प्लीज़ स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए प्लीज़ पानी रखिए बाहर पे, क्योंकि बहुत तेज गर्मी हो रही है एंड उनको भी पानी की बहुत ज़रूरत है। तो समर्स चल रहे हैं, समर्स में हमारे स्किन केयर रिजिम का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सनस्क्रीन। इस टाइम पे दोपहर 12 बजे से लेके 4 बजे तक के बीच सन रेज जो है बहुत हार्श हो जाती है, तो अगर इस टाइम पे हम सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करते हैं अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हमारी स्किन बाहर से और अंदर से दोनों जगह से डैमेज हो सकती है। अगर हम इस टाइम पे सन एक्सपोज करते हैं और बिना सनस्क्रीन लगाए कहीं बाहर जाते हैं तो हमारी स्किन में टैनिंग, सनबर्न और पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सनस्क्रीन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, जो हमें सन से प्रोटेक्ट करती है। तो सनस्क्रीन दो टाइप से बनाई जाती है, केमिकल बेस्ड और मिनरल बेस्ड। जो केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन होती है वो बहुत सारे केमिकल्स से मिलकर बनाई जाती है, जो हमारी स्किन को यूवी रेज से तो प्रोटेक्ट करती है बट उसमें कुछ सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं जिस वजह से वो हमारे पोर्स के साथ पेनिट्रेट कर जाते हैं और हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। और वहीं जो मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन होती है उनमें जिंक ऑक्साइड जैसे नेचुरल ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, जो हमारी स्किन में एक लेयर बना लेती है और हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। जो यूवी ए रेज होती हैं वो हमारी स्किन के अंदर जाकर कोलेजन टिश्यू को डैमेज करती हैं, जिससे हमारी स्किन में रिंकल्स और पिगमेंटेशन हो सकता है। जो यूवी बी रेज होती हैं वो हमारी स्किन को ऊपर से जलाती हैं, जिसे हम टैनिंग या सनबर्न कहते हैं। आपकी स्किन जितनी लाइट होगी उतना ही आपको सनबर्न होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोगों की स्किन बहुत गोरी होती है तो उनको सनबर्न होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और उनको सनस्क्रीन की और हाई SPF की बहुत ज़रूरत होती है। SPF यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जिससे हमें पता चलता है हमारी सनस्क्रीन हमें यूवी रेज से कितना प्रोटेक्ट कर सकती है। ऑयली स्किन वालों के लिए वाटर बेस्ड सनस्क्रीन या फिर जेल बेस्ड सनस्क्रीन जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं एंड जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए लोशन बेस्ड या क्रीम बेस्ड जो सनस्क्रीन होता है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। एंड अगर आपको सनबर्न हो गया है तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि आप घर पे DIY करके अपनी स्किन को कैसे ठीक कर सकते हैं, सनबर्न को कैसे कम कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दीजिए। सो अब मैं आपको बताऊंगी टॉप 5 सनस्क्रीन कौन सी अकॉर्डिंग टू मी, जो बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई गई है। पांचवें नंबर पे हमारा विद्यांजलि केयर सीड सनस्क्रीन। इसमें आपको SPF 40 मिल जाता है एंड 50 ml की क्वांटिटी आपको मिल जाती है सिर्फ 200 rupees में। इनके सारे प्रोडक्ट्स हैंडमेड होते हैं एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाए जाते हैं। ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। फोर्थ नंबर पे हमारा अरोमा मैजिक का एलोवेरा सनस्क्रीन जेल विद SPF 20। इसमें आपको 100 ml की क्वांटिटी मिल जाती है इन ₹260। ये ऑयली स्किन टाइप के लिए एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए काफ़ी सूटेबल है। अरोमा मैजिक का कोकम्बर सनस्क्रीन लोशन विद SPF 30 ड्राई स्किन एंड सेंसिटिव स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको स्प्रे फॉर्म में भी सनस्क्रीन मिल जाता है विद SPF 30। थर्ड नंबर पे है मॉम्स को की नेचुरल मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन। इसमें आपको SPF 50 मिल जाता है एंड 100 ml की क्वांटिटी मिल जाती है ₹300 में। इनके प्रोडक्ट्स हाइपोएलर्जेनिक है एंड सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। सेकेंड नंबर पे हमारा जस्ट हर्ब्स का नो सन सन प्रोटेक्शन जेल फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन। इसमें आपको SPF 20 मिल जाता है विच इज़ ग्रेट फॉर इंडियन स्किन टाइप। इसमें आपको 100 ml की क्वांटिटी मिल जाती है ₹600 में। एंड जस्ट हर्ब का सनेल मॉइस्चराइजिंग सन प्रोटेक्शन लोशन इज ग्रेट फॉर नॉर्मल एंड ड्राई स्किन टाइप।
एंड फर्स्ट नंबर पे हमारा स्वरस्य निव्र का सन प्रोटेक्शन लोशन, जिसमें आपको 50 ml मिल जाता है 595 rupees में। इसमें जैस्मिन, क्लोव, कार्डियम जैसे इंग्रेडिएंट का यूज़ किया गया है, जो हमारे स्किन को सन से तो प्रोटेक्ट करता ही है, बट साथ ही साथ हमारे स्किन के कॉम्प्लेशन को भी इम्प्रूव करता है। एंड जितने भी सनस्क्रीन मैंने आपको बताया उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी एंड कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।